कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र से आदिवासी उप योजना में आदिवासी वर्ग के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए मिले 8,42,00,000 रुपए की राशि में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन, मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्र और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी ने आरोप लगाया था कि 52 जिलों में आदिवासी वर्ग के जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के लिए मिले पैसे को महज 3 जिलों में खर्च दिखाया गया है। पैसा खर्च होने के पहले ही केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने का भी आरोप लगाया गया था। कांग्रेस के इन आरोपों पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि विगत दिवस कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर और मेरे विभाग पर आरोप लगाए हैं, उसके स्पष्टीकरण के लिए आज की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। साथियों, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसके पास कोई काम नहीं बचा है, चरित्र हनन की राजनीति में संलग्न हो गई है, और जो शख्स कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में भी उनके द्वारा तमाम नेताओं का मानहानि किया गया है और आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ मानहानि के प्रकरण भी चले हैं, जिसमें उनको सजा भी मिली है। ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझ पर और मेरे विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं अपनी पत्रकार वार्ता में, उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केंद्र की ट्राइबल की योजना जो जनजाति के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है, उस ट्रेनिंग के पैसे के लिए हमारी एक संस्था है SIRD, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और उस ऑटोनोमस बॉडी में जो उसका चेयरमैन होता है वो डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, ACS और PS हमारे उपाध्यक्ष होते हैं, और जो सचिव होता है वो संस्था का डायरेक्टर होता है, और उसका काम है कि विभिन्न विभागों से ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और ट्रेनिंग को संचालित करके ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहरी क्षेत्रों तक उसको ले जाना। ट्राइबल ने हमको विधिवत अनुमति प्रदान की, SIRD के प्रस्ताव पर उन्होंने हमको अनुमति दी, स्वीकार किया कि हाँ, ये 8,42,00,000 रुपया की ट्रेनिंग आपको करनी है, और उसमें दो शर्तों का उन्होंने जिक्र किया। पहली शर्त ये थी कि पैसा एरिया जो अनुसूचित जनजाति के लिए है उसमें ही ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति लेकर इसका कार्य संपादन किया जाए। दोनों शर्तों को हमारे संस्था SIRD ने पूर्ण किया, और जो 3 जिले हमने प्रारंभ किए वो तीनों जिलों हमारे पैसा एरिया के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए हमने दिए, जो स्वयं सहायता समूह के लिए है।